मंगल पांडे दलाली का काम करते थे गवर्नर के से और प्रिंसिपल के बीच में, मंगल पांडे। हाँ, और जो आदमी ग्रेजुएट था उसको जाली पीएचडी का डिग्री दिला करके 3 लाख में पंजाब से खरीद करके उसका सेक्रेटरी बनाया गया। सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ने निर्ममता पूर्वक इस कॉलेज को लूटने का काम किया है। अच्छा, और वे ढंग से टीचर बहाल किए हैं, लड़कों से पैसा लेकर के एडमिशन कर किए हैं, बिहार के बाद जो नीट नहीं किया है उसका एडमिशन किए हैं, किसी का कोई नियम कानून नहीं चला है। प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ये लोग किए हैं और निश्चित लूटा हुआ माल है। अच्छा, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, कंगाल है, 2-4-10 रुपया जोड़ताते हैं तब हम लोग कहीं रेस होते हैं, और तो लूट करके रखे हुए हैं। यहाँ दिल्ली, बम्बे, कहाँ कहाँ संपत्ति आयुर्वेदिक कॉलेज को बेच करके बनाया है। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर। कॉलेज को बेच दिए हैं तो बेचे हुए हैं। 29 को लाटा का एडमिशन पैसा लेकर के किया जो नीट नहीं किया, तो बेचा हुआ नहीं हुआ कॉलेज ने बेचा। पहले राजनीति में लोग आते थे चाल चरित्र चेहरा वाला, कार्यकर्ता थे, नेता बनते थे, और आज लोग नेता बन रहे हैं, ठेकेदारी दलाली से नेता बन रहे हैं, तो दोनों में अंतर नहीं है। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये आयुर्वेदिक कॉलेज का मामला काफी दिनों से हम उठाए थे। मेरे पत्र पर गवर्नर के यहाँ से यूनिवर्सिटी ने जांच टीम बनाया था 3 लोगों का, जिसने जांच रिपोर्ट अपनी गवर्नर के यहाँ दे दिया है। उसमें प्रिंसिपल से लेकर के शासी निकाय के लोगों पर, वीसी पर कार्रवाई करने का आदेश है, लेकिन महामहिम के यहाँ और यूनिवर्सिटी में वो रिपोर्ट दाब करके रखा गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में रिपोर्ट के साथ हम अति शीघ्र गवर्नर से भेंट करेंगे और उनको बताएंगे कि ये रिपोर्ट है, अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। जैसे 29 बच्चों का मामला था, या उसमें उस कॉलेज में शासी निकाय ने बड़े पैमाने पर अनियमितता किया है प्रिंसिपल से मिल करके, उस पर हम लोग मामला उठाने जा रहे हैं, गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। बहुत यूनिवर्सिटी का इंतजार कर लिए और लोगों का इंतजार कर लिए, प्रशासन का इंतजार कर लिए, कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट चांस हम लोग गवर्नर के यहाँ 4 के बाद समय लेकर के मिल करके आयुर्वेदिक कॉलेज के जो जांच रिपोर्ट है उनसे मांग करेंगे कि इस पर आप कार्रवाई करिए। अच्छा, जांच टीम के द्वारा जब दोषी मान लिया गया था तो आखिर किस कारण से कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, पहले वाले राज्यपाल थे ना, वो महान आदमी थे, उनका एक दुकान नहीं चलता था, सैकड़ों दुकान चलता था भ्रष्टाचार का। वो रिपोर्ट लेकर के दाबहीन, लेकिन ये जो नए गवर्नर हैं ये ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। हमको उम्मीद है कि उनसे हम मिलेंगे तो निश्चित उन पर एक कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट में क्या है, अभी कुछ ऐसा आया है? क्योंकि 29 लोगों का नजायज बच्चों का पैसा लेकर के एडमिशन का है, बिना नीट वाला मामला, बिना नीट का मामला है उसमें, और ये क्या बोलता है प्रिंसिपल साहब का उम्र कवे समाप्त हो गया, सरकारी आदेशों को तोड़ मरोड़ करके यूनिवर्सिटी से साठ काट करके अभी तक ले बने हुए हैं, ऐसे काफी इन पर चार्जेज हैं। इनके संपत्ति का भी जांच होना चाहिए, कॉलेज को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। एक दो आरोप नहीं है, बहुत आरोप है, इसलिए इस आरोप को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पिछले कई दिनों से लगातार आप आवाज उठा रहे थे लेकिन बीच में बिल्कुल आप चुप हो गए थे, ऐसा हम कुछ कारण था जिसके 3 महीने पर हम सिवान आज पहली बार आए हैं, कुछ पारिवारिक उलझन था इसलिए हम सिवान नहीं आ सके या कोई मुद्दा नहीं उठा सके। इससे पहले सर कहा जाता था कि जब मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनके दबाव में इसके जांच को बाधित किया जा रहा है, अभी वर्तमान में चूंकि तेजस्वी यादव है
और उसके बाद भी अगर इस तरह की जो बड़ा मामला दबाया जा रहा है इसमें तो क्या कहेंगे? इसमें तेजस्वी जादू कहीं नहीं आते। इससे पहले गवर्नर, इससे पहले मंगल पांडे नाम आता था। ये मंगल पांडे दलाली का काम करते थे गवर्नर के से और प्रिंसिपल के बीच में, मंगल पांडे। हाँ, और जो आदमी ग्रेजुएट था उसको जाली पीएचडी का डिग्री दिला करके 3 लाख में पंजाब से खरीद करके उसका सेक्रेटरी बनाया गया। सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ने निर्ममता पूर्वक इस कॉलेज को लूटने का काम किया है। तेजस्वी के पास जाएगा ही नहीं फैले, स्वास्थ्य विभाग में नहीं जाएगा। यूनिवर्सिटी से इंटेंगल है वो, गवर्नर इसके मालिक है। अच्छा, मीडिया में कुछ वो जांच रिपोर्ट जहाँ तहाँ सर्कुलेट हो रहा है। हाँ, जो जांच रिपोर्ट सबमिट किया गया है और उसमें ये बात कही जा रही है कि 29 छात्रों का एडमिशन के अलावा इसमें जो है बहुत सारे ऐसा धांधली है जो सामने आया है, अवैध सत्र में सभी धांधलियों को लेकर के मैं 4-5 दिन में गवर्नर से समय लेकर के एक दो और मित्रों को लेकर के गवर्नर से मिलूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि इस पर कार्रवाई की जाए, उस कॉलेज की रक्षा की जाए, क्योंकि अभी कहीं आयुर्वेदिक कॉलेज साहबुद्दीन का बनवाया हुआ कॉलेज है, ऐसा आयुर्वेदिक कॉलेज कहीं नहीं है। जहां है सब खहर हो गया है, ढह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं इस पर निश्चित गवर्नर से मिलूंगा। तत्कालीन जो राज्यपाल थे यहाँ बिहार में फागू चौहान, उनके समक्ष आपने कई बार न्याय के लिए गुहार लगाई। नहीं, हमने पत्र लिखा, उसी पत्र जांच बनी, उसी पर जांच हुआ। तो अपने जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनसे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? ये राज्यपाल को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ऑनेस्ट है, लेकिन वो भी तो घूम रहे हैं। अच्छा, हमारे तारा विषय में क्योंकि मालूम है ये नहीं है कि हम तू का हुआ तो साथे बड़ा तो घूमत नहीं। हम उसको उनको बताएंगे ना, हम मिलेंगे तो उनको सारी बातें उनको डिटेल में समझाएंगे। अब कुछ जानकारी है कि अर्लेकर साहब आ रहे हैं, विश्वनाथ अर्लेकर महामहिम यहाँ सिवान आ रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज। कै तारीख को आ रहे हैं? अभी ये अपुष्ट जानकारी है, अभी इसकी कुछ विशेष जानकारी, उसके पहले हम मिल लेकर के उनको बता देंगे, हम उनको रिपोर्ट ले जाकर दिखा देंगे ये रिपोर्ट उसके है। बाद भी अगर वो आते हैं तो फिर क्या है? माना जाएगा तो। उसके बाद भी अगर वो आते हैं मन साझा करते हैं तो क्या? गाछे कटहर उठे तेल यार, ये सब बात छोड़ा, अब कुछ कहावा देवा हमारा के गवर्नर के खिलाफ हमारा काम क्या होगा फिर? आएंगे तो उस समय देखेंगे, उनको उस प्रिंसिपल के विषय में हम बताएंगे कि प्रिंसिपल क्या है। सिवान सर, सिवान आयुर्वेदिक कॉलेज का मामला है, इसमें मुख्य रूप से गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में मामला आता है। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि महामहिम राज्यपाल से किसी प्रकार का अगर न्याय नहीं मिल पा रहा तो क्या अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे? मुझे उम्मीद है कि इस गवर्नर से जिस प्रकार ये शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, अपने दौर धूप कर रहा है, तो यहाँ भी निश्चित न्याय करेगा, गवर्नर साहब न्याय करेंगे। यहाँ के जो सांसद हैं या जो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष हैं वो सभी पहल प्रयास नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए, पहले राजनीति में लोग आते थे चाल चरित्र चेहरा वाला, कार्यकर्ता थे, नेता बनते थे, और आज लोग नेता बन रहे हैं, ठेकेदारी दलाली से नेता बन रहे हैं, तो दोनों में अंतर नहीं है। इस तरह के मामले जब सिवान में आते थे तो लगातार धरना प्रदर्शन होता था, एजिटेशन होता था, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि ये सब प्रतिनिधि खामोश हो गए? प्रतिनिधि अब है कहाँ? कोई आपके जिला के प्रतिनिधि है जो कभी विधानसभा में कहीं किसी अफसर के यहाँ जिले का में जो हो रहा है उसका आवाज उठाता है क्या? सब माल लगाओ माल पाओ तब जनप्रतिनिधि कला है। जनप्रतिनिधि कौन? जनप्रतिनिधि बोलने वाला कहाँ है? मुंह रहेगा तब ना बोलेगा। चुनाव के समय तो ये बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं। बोलने में करने में बाबू बहुत अंतर है। उम्मीद किया जाए चुनाव के समय ये बोलना शुरू करेंगे आयुर्वेदिक कॉलेज का अनियमितता घोटाला पर पूरे बिहार का विधानसभा नहीं बोलेंगे सिवान से, और आप करें बोलने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्मान पर चोट मत पहुंचाइए, बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम मत लीजिए। वही तो बात चला जा रहा है, पूरे बिहार के विधानसभा क्षेत्र और आप बोलने वाला नहीं है। ये विधानसभा ये कैसे कर रहे हैं आप? वो सज्जन आदमी हैं,
उनको उस कॉलेज से दूर रखा गया। वो कॉलेज तो मुल्ता साहबुद्दीन साहब का है, कोई कितना कूद ले वो तो साहबुद्दीन का दिन है, अध्यक्ष तो सिवान का है ना सर। हाँ सदर के है ना। हाँ साहबुद्दीन, साहबुद्दीन ने उस कॉलेज के लिए खून पसीना एक करके बनाने का काम किया। उस समय तो और भी चौधरी भी साथ थे उनके। हाँ उनके साथ थे, लेकिन जो राजनीति परिवर्तन हुआ उसमें कुछ लोग हावी हो गए। और आप जान लीजिए, हमको जो जानकारी मिली है कि इसमें देर होगा अंधेर हम नहीं होने देंगे। कई सारे मीडिया में ये रिपोर्ट है कि वहां पर प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी द्वारा अवैध ढंग से टीचर बहाल किए गए हैं। अवैध ढंग से टीचर बहाल किए हैं, लड़कों से पैसा लेकर के एडमिशन कर किए हैं, बिहार के बाद जो नीट नहीं किया है उसका एडमिशन किए हैं, किसी का कोई नियम कानून नहीं चला है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ये लोग किए हैं। और निश्चिंत रहिए, मैं इन लोगों पर देर होगा अंधेर नहीं होगा कार्रवाई करावेंगे। जरा इनसे भी बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जो है आवाज उठाते रहे हैं, जैन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, क्या कुछ कहेंगे नए राज्यपाल से, क्या आप सभी उम्मीद कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, आप तो देखे हैं, हम तो आपके न्यूज के माध्यम से ही देखे हैं कि लाइव 10 न्यूज जो है उसमें चलाया इसका जांच रिपोर्ट को, तो जाहिर सी बात है देखे तो रिपोर्ट आ चुकी है। आ रिपोर्ट हम देख, बहुत कड़ा रिपोर्ट है। क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट में आया है कि जो प्रचार है प्रजापति त्रिपाठी जी को निलंबन करने का, विभागीय कार्रवाई निलंबन करने का रिपोर्ट आया है, उनको निलंबन किया जाए। शासी निकाय जो है वहाँ जो अध्यक्ष है सचिव है जो मेंबर है इसको भंग करने का उसमें रिपोर्ट में है। निश्चित तौर पर माननीय महामहिम के पास ये रिपोर्ट लंबित है, जिस दिन इस पर आदेश करेंगे तो ये लंबी शासी निकाय भी डिजल्व होगा, नया कमेटी बनेगी और प्रजापति त्रिपाठी जी सस्पेंड होंगे। वो कई दिनों से लंबित है मामला, कई दिनों से लंबित है, फिर से आप लोग आवाज उठा लड़ाई लड़ा है, क्या माना जाए प्रजापति त्रिपाठी पे कार्रवाई होगी या फिर लिपापोती होगी? देखिए कार्रवाई तो निश्चित हो गई, जितने दिन तक ये देखिए जो लोग कॉकस इस टाइप के लोग होते हैं वो लोग अपने धन बल के बल पर ये रोकते हैं लोग, तो निश्चित तौर पर नए गवर्नर आए हैं बिहार में भी, इनसे उम्मीद है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इनका काम ट्रैक रिकॉर्ड हमने भी पता किए हैं तो मालूम हुआ कि ये काम करने वाले हैं। हमारे पूर्व मंत्री श्री विक्रम कुंवर जी दो चार दिन में मतलब कल परसों में उनसे अपॉइंटमेंट ले लेंगे, दो चार पाँच दिन के अंदर मिलकर उनको ज्ञापन दिलाएगा कि इस जाँच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए। हमने तो फिर इसको आरटीआई से उनको फिर मांगा हमने उनसे, इसके पहले भी आपने मांगा था कोई जवाब नहीं मिला, कुछ गोल मटोल जवाब आया था, फिर हमने अपील भी दायर किया उनके यहाँ, तो निश्चित तौर पर इसमें लगे हुए हम, यहाँ से भी दिल्ली से भी आदमी लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसमें शांत है आदमी। एक मिनट, आप लोग चलते हैं दो कदम और वो चलते हैं चार कदम, कहा जाता है कि वो काफी मतलब प्रभावकारी व्यक्ति है, इसमें क्या लग रहा है? देखिए कितने कारण हम बता देते हैं, उनके पास लूटा हुआ माल है। अच्छा, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, कंगाल है, दो चार दस रुपया जोड़ताते हैं तब हम लोग कहीं रेस होते हैं, और तो लूट करके रखे हुए हैं यहाँ दिल्ली बम्बे कहाँ कहाँ संपत्ति आयुर्वेदिक कॉलेज को बेच करके बनाया है। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर, कॉलेज को बेच दिए हैं तो बेचे हुए हैं, 29 को लड़का का एडमिशन पैसा लेकर के किया जो नीट नहीं किया, तो बेचा हुआ नहीं हुआ कॉलेज ने बेचा, प्रिंसिपल तो वही थे, प्रिंसिपल तो वही थे, संपत्ति और कोई बेच वो नहीं, आप लोग खामोश हैं, उसी शासी निकाय के लोग भी गद्दी पे बैठे हैं, उसी पैसे से गद्दी पे बैठे हैं, शासी निकाय के लोग भी इस कुकर में हैं। कॉलेज को देखिए जाहिर सी बात है प्रिंसिपल हैं और गलत किए हैं, शासी निकाय है, अध्यक्ष है, सचिव है, मेंबर हैं, उनको भी तो बोलना चाहिए, उनको भी तो पूछना चाहिए, और कुछ नहीं जैसे हम लोग भी आवाज उठाते हैं लिखते हैं, उनको भी तो लिखना चाहिए, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए, सरकार को लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी गलती को नहीं लिखा किसी ने। आज रिपोर्ट 6 महीना हो गया आए हुए, लेकिन सब लोग शांत थे, क्यों शांत थे भाई? जो आपके खिलाफ जो गलत अनियमितता पकड़ा गया है तो आपको तो चाहिए उस पर आवाज उठाना, आपको तो चाहिए, चाहे कोई एमपी है कोई एमएलए है इसके मेंबर। महामहिम क्या कर रहे हैं? अरे भाई जब हम कहते हैं महामहिम का पूरे बिहार देखना है, जो मेंबर है, जो लोग हैं, जो उसके सदस्य हैं, जो उसके लड़ने वाले, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले, महामहिम तक बात को पहुंचाने वाला भी तो आदमी चाहिए, इस बात को बार बार आदमी रिपीट कर। आप लोग जान लीजिए आयुर्वेदिक कॉलेज के नाम पर बहाली है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के यहाँ वहाँ का स्टाफ लोग काम करता है। एक सवाल सर, ड्राइवर से लेकर के जो व्याप्त भ्रष्टाचार नगर परिषद के मामले में है, कुछ जगह आप लड़ाई लड़े हैं,
अब ये मान के चला जाए कि इंतखाब नहीं रहे हम लोग, ये थोड़ी है कि हम नहीं लड़ रहे हैं, नहीं लड़ते तो फिर बैठ के प्रेस में हाथ बोलते हैं, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, खटते हैं वहाँ।